तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप लोग सब? बढ़िया ना? यहाँ तो बिलासपुर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, और आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपके सिटी में कितनी गर्मी। वैसे अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं, लेकिन गर्मी तो है यार। ठीक है, आज हम लोग जाने वाले दिव्यांशु के बेस्ट रेस्टोरेंट में। कौन से रेस्टोरेंट में जा रहे भाई? मनोज स्वीट्स। तेरे को क्या पसंद है? पनीर पराठा खाएगा ये लड़के। तो चलो अपन सीधा पनीर पराठा खाने मनोज स्वीट्स में मिलता है आपको। तो चलो गाइस, तो चलो चलते हैं मनोज स्वीट्स के अंदर। तो ये अपन मनोज स्वीट्स आ चुके हैं। क्या ऑर्डर दिया भाई? पनीर पराठा ऑर्डर दिया। मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है आपको। कि अगर इसका फेवरेट है मतलब टेस्ट तो अच्छा ही होगा ना यार। आने तो पनीर पराठा, तो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, दिखाता भी हूँ। ये दादा अपना पनीर ला रहे हैं, बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है। जल्दी लाइए दादा, जल्दी 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 फटाक से रख दीजिए। ये पनीर पराठा, ये तो भाई भाई अभी से टूट पड़ रहा है। तो दिव्यांशु, ये अपना पनीर पराठा आ गया, मस्त पूरा पनीर है भाई। बस थोड़ा सा तेल ज़्यादा है, बाकी ठीक है। ये रायता, ये अचार हो गया, सेम। चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करते हैं पनीर अचार में नहीं खाते हैं, अचार इसमें खाते हैं। ऐसे का टेस्ट है यार, अच्छा है पनीर, टेस्टी है। बस तो ये हम लोग पनीर पराठा खा के निकल चुके हैं। 50 रुपये में इतना टेस्टी पनीर पराठा, बहुत मज़ा आया भाई। दिव्यांशु इतना अच्छा जगह लेके जाएगा, मुझे नहीं पता था। अगर आप लोग अमंगला चौक के आसपास रहते हैं तो यहाँ ज़रूर आइएगा मनोज स्वीट्स। अब हम लोग जा रहे हैं मोमोज़ खाने। तो ये अपन मोमोज़ खाने आ गए दिव्यांशु के ऑर्डर करने। तो देखिए दिव्यांशु, और वहाँ मोमोज़ निकल रहा है। चलिए मोमोज़ खाते हैं। बहुत लोग बताए यहाँ का मोमोज़ अच्छा है। भीड़ देखो, भीड़ से ही पता चल रहा होगा कि यहाँ का मोमोज़ कितना टेस्टी। दिव्यांशु मोमोज़ ले आया। चलो अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। गर्म है? चल टेस्ट करके देखते हैं, इसको टेस्ट करते हैं गाइस। मोमोज तो खा लिए, मोमोज हमको बहुत अच्छा लगा। चलो घर की ओर चलते हैं। तो ये फाइनली अपन घर पहुंच चुके हैं, और अपना भाई क्या खा रहा है? सलोनी, घर की सलोनी, मम्मी के हाथ की सलोनी। कैसी लगी भाई? इग्नोर माय आइडिया भाई, कैसा लगा भाई सलोनी? अच्छे जवान है भाई, कैसे नाटक कर रहा है भाई। सलोनी खा रहे, भूख लगा रहे ना भाई, इसलिए भाई 50 रुपये पनीर पराठा खाने के बाद भी अपन सलोनी खा रहे हैं, यही तो अपने पास टैलेंट है। अब क्या है ना, मम्मी के हाथ के सलोनी इतना टेस्टी है ना यार, मतलब भूख नहीं भी लगता है ना तब भी खाने का मन करता है, भूख लगता तो और खिला जाता है। ये तो माँ के हाथ में जादू है, समझ रहे हो? इसलिए बोलता हूँ भाई, अपनी मम्मी लोग की कदर किया करो, जैसे ये और मैं करते हैं। क्यों भाई? एकदम आदर्श बच्चे हमारी मम्मी। बोलती ना, बेटे यहाँ बैठ जाओ, तो हम बैठ जाते हैं, उठते नहीं है। कैसे भाई? देखिए इतने संस्कारी, आप भी ऐसी संस्कारी बनो, माँ का कदर करो, समझे? जो रोज सुबह कहीं भी जाते हो मम्मी पापा का पैर पड़ा करो। जैसे हम लोग, ये बेचारा कोचिंग पढ़ता, लेकिन रोज सुबह अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके कोचिंग पढ़ने जाता है, समझे यार? ऐसी करना क्या है ना, बाहर रहोगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलो अब ये वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।